जेएनटी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको सुने और जल्द से जल्द जो बिहार की स्पेशल ट्रेन है वो शुरू की जाए। क्यों सबसे पहले अपने मीडिया के भाइयों का धन्यवाद जो इतने मुश्किल समय में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही साथ मेरे साथ जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के साथियों। और जो मेन मुद्दा आज का ये है कि हम सब जानते हैं हजारों लेबरर माइग्रेंट लेबरर्स जम्मू में फंसे हैं और उनको ले जाने का काम अभी तक नहीं हो रहा, और कम से कम 2000 माइग्रेंट लेबर्स के लिए रिक्वेस्ट जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस पार्टी है मेन पार्टी है उन्होंने दी है और उसका कोई जवाब तक नहीं आया। हमारी डिमांड ये है कि हमें बिहार से बहुत फ़ोन आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं वो जल्द से जल्द स्पेशल ट्रेन शुरू करें जो बिहार के लोगों को लेके जाए, उनके साथ यूपी के लोगों को लेके जाए, और अगर कहीं परेशानी आ रही है जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को तो उस ट्रेन का पूरा खर्चा उठाने को यूथ कांग्रेस, जम्मू कश्मीर की यूथ कांग्रेस उठाने को तैयार है। लेकिन साथ ही साथ हमारी रिक्वेस्ट ये भी है जेएनके के एडमिनिस्ट्रेशन से कि जिस तरह से राजस्थान से हजारों बसेस कांग्रेस गवर्नमेंट ने भेजी लेकिन वो यूपी में रुक गई, इस तरह से ये ट्रेनें बिहार में नहीं रुकनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जम्मू में एक प्रॉब्लम और आ रही है कि जो कोरोना के टेस्ट हैं वो बहुत लेट आ रहे हैं, तो जिस तरह से कठुआ में एक केस हुआ कि एक बंदे का टेस्ट हुआ और 16 दिन के बाद उसको पॉजिटिव माना गया और 16 दिन तक वो बंदा घूमता रहा। इसलिए एक अपील ये भी है कि जो टेस्ट हैं उनकी सीमा जो समय है उसमें ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, जल्द से जल्द उसका रिजल्ट आ जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी हम ले सकें। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, इस मुश्किल समय में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी जिस तरह से हम जानते हैं कि हजारों की तादाद में जो माइग्रेंट